हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हांडवा, परफेक्ट हांडवा विद गुजराती स्टाइल रेसिपी। ये बहुत टेस्टी लगता है, ब्रेकफास्ट में मिल जाए तो दिन बन जाता है। देखो इतना दिख रहा है, इतना टेस्टी है। चलो हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 2 कप हांडवे का आटा, आपको उसका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 कप हांडवे का आटा लेके इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दही। दही खट्टी रही तो और भी अच्छा है, ये हांडवा थोड़ा खट्टा लगे तो अच्छा लगता है। तो 1 चम्मच नमक, इसे अच्छे से डाल के, पानी डाल के इसके अंदर अच्छे से एक बैटर बना लेंगे इसका, मिक्स करके अच्छे से। और इसको हम रात भर रखेंगे, यदि आपको सुबह मॉर्निंग में खाना है तो, यदि आपको शाम को खाना है तो आपको सुबह बना के रखना है इसको। कम से कम 6 घंटे तक के रखें। देखो 6 घंटे के बाद ये ऐसा फूल जाता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कटी हुई किसी हुई गाजर, ये ऑप्शनल है, गाजर हो तो डालो नहीं तो नहीं, पर लौकी डालना ही है। उससे वही परफेक्ट चीज़ है जिससे उसका टेस्ट उभर के आता है। 1 से ज़्यादा कटोरी मैंने किसी हुई लौकी ली, थोड़ा सा हरे धनिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर अब हम इसमें डालेंगे थोड़े मसाले, जैसे लाल मिर्च, आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हो, हल्दी पाउडर अवॉइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर टेस्ट अच्छा आता है। और थोड़े से तेल के दाने, नमक हमने कल डाला था। अब हम डालेंगे इसमें मूंगफली। मूंगफली इसलिए डालती हूँ कि मेरे हस्बैंड को बाइट बहुत पसंद है। अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 2 चम्मच तक, आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो कूट कर इसके अंदर, मेरा बेटा छोटा है इसलिए मैंने नहीं डाली। अब हम सब, जब तक वो हमारा मिक्सचर है तब तक हम उसके लिए लहसुन की चटनी बनाएंगे हांडवे के साथ। हांडवे के साथ लहसुन की चटनी खाने में बड़ा मज़ा आता है। उसके लिए मैंने सिंपल से लहसुन पीस ली और उसके अंदर लाल मिर्च डाली कश्मीरी और थोड़ी सादी लाल मिर्च, और पानी डाल के उसको रेडी कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा छौंक लगा देंगे नमक डाल के स्वाद अनुसार। हमारी लाल लहसुन की चटनी रेडी है। अब हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल, थोड़ा सा राई, थोड़ी सी जीरा, थोड़े से तिल, ये अच्छे से डालकर, थोड़े से मूंगफली, हरा पत्ता, धनिया, जो आपको मन करे वो आप डाल सकते हो। और फिर हमारा जो बैटर हमने रेडी किया था हांडवे का, वो डालेंगे इसके अंदर 3 से 4 चम्मच। हांडवा ना ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं अच्छा लगता। बहुत लोग ऐसा भी बनाते हैं कि पूरा जितना बैटर है वो कढ़ाई में भर देते हैं और 30 मिनट तक रखते हैं, उसका मज़ा अलग है, और मैंने जो बनाया उसका मज़ा अलग है। 3 से 4 चम्मच उसके ऊपर मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, वो डाल के हम उसको ढक के रख देंगे। आपको फूला फूला चाहिए तो आप एक पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो। देखिए इसे, इस प्रोसेस को 7 से 8 मिनट लगे हैं लो मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसको टर्न करेंगे, ये पीछे से पक गया है पूरा, और इसे टर्न करने के लिए आप ऐसे करोगे तो टूट भी सकता है, इसलिए हम इसको एक सेकेंड प्लेट या पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर इसको पलटेंगे। इजी वे तो ये है कि हमेशा प्लेट रख दो, उसके ऊपर उल्टा कर दो और फिर प्लेट के साथ उसको पलटा दो। ये देखिए अभी ये हम, यस, बहुत ही, ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है, यम्मी डिलीशियस लगता है। अभी वो सेकेंड साइड से पक रहा है, ज़्यादा मिनट नहीं लगेंगे सेकेंड साइड से पकने को, 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। ये देखिए तैयार है हमारा हांडवा गर्मा गर्म। आपको ज़्यादा दूसरी साइड से भी ज़्यादा पकाना है तो पका सकते हैं। अब मैं इसको सर्व करना चाह रही हूँ अपने लहसुन की चटनी के साथ। यम्मी डिलीशियस हांडवा एक बार बनाइए गुजराती स्टाइल में, बहुत टेस्टी रेसिपी है। खाइए, बनाइए और खिलाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप और कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। बहुत टेस्टी रेसिपी है गुजराती स्टाइल में, और आप इसको और लो फ्लेम पे पकाएंगे तो देखो ये ऐसा भी बनता है, एकदम कड़क कड़क, देखिए ऐसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।